Okay, Spartans, task number 74 और WordPress theme development के बिल्कुल आखिरी मरहले में कुछ दिन की गैर हाजिरी के बाद एक दफा फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। इसकी वजह मैंने आपको बता दी थी, इससे पहले एक खास वीडियो मैंने लगाई थी अपने स्पार्टन्स के लिए और मिशन 9MB के लिए। आप लोगों के बड़े ज़बरदस्त प्यारे कॉमेंट्स उसमें आए, मैं आप सब लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा ये बिलीफ है कि जो मेरे स्पार्टन हैं वो चूंकि मिजाज को समझना सबसे पहली बात होती है, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना तो आपकी वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, और जब बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो सक्सेस नहीं हो सकती। मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है और मुझे इसी तरीके से सक्सेस मिली है। मैं इसलिए जब से ऑनलाइन दुनिया में हूँ, फ्रीलांसिंग में हूँ, या जब से मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन आके, चाहे वो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल हो या दोस्तों की कोई महफिल हो, मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ टीम्स बना के काम करें। और टीम के लिए जो सबसे पहली शर्त होती है वो होता है आपका ट्रस्ट। यानी अगर आप सिर्फ ज़रूरत का रिश्ता रखेंगे ना या गर्ज का रिश्ता रखेंगे, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती और उसमें बरकतें नहीं रहती। आप दुनिया के जिस खित्ते में भी हैं और अगर आप मुझे समझ रहे हैं, सुनते हैं, मैं एक रीज़न हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे रीजन्स बने, बहुत सारे बंदे इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इसी तरीके से दुनिया के हर खित्ते से, यानी शायद की मक्खियाँ थी जहाँ से मैंने सीखने की कोशिश की। फिर मैं भी उनमें शामिल हो गया उस कारवां में। मैंने सोचा कि चले मैं भी कोशिश करता हूँ जो कुछ मेरे पास है, तो इससे पहले कि ये सारा कुछ मैं साथ लेके चला जाऊँ, तो उसमें मुझे आई एम थैंकफुल टू यू कि आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों को समझ आना शुरू होगी। तो हर बंदे का कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, कोई वेवलेंथ मैच हो जाती है। यानी मुझे भी बहुत सारे बंदों की समझ नहीं आई, इसी तरीके से हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनको मेरी बोली की समझ ना आती हो, लेकिन मेरे स्पार्टन्स हैं ही वो जिनको मेरी समझ आती है। तो एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। आज से ये हमारा जो फेस है मिशन 9MB से पहले, मेरी कोशिश यही है कि हम इसको कल शुरू कर दें मिशन 9MB को, चूंकि 10 अप्रैल है। अगर किसी वजह से लेट हो भी जाता है तो फिर भी 11 अप्रैल से हम इंशाल्लाह ताला लेट नहीं होंगे, ये मेरी कमिटमेंट है। मैं इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैंने आपको किस तरीके से लेके चलना है। वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स हमारे साथ रहेंगे। अब थीम डेवलपमेंट के आपने शुरू किया था, बेसिक आपको पता है वर्डप्रेस के हवाले से, लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करना है, डेटाबेस वगैरह कैसे करना है। ये किट आपको मिल चुकी है, इसी किट की रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रोसेस जो है वो आज हम तय करने की कोशिश करेंगे। आपने इसको गौर से देखना है, मैं आपके साथ बिल्कुल लॉजिकल अंदाज में आपको लेके चलूंगा और आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये होता है कि आप एक बड़ा थीम बनाते हैं, प्रीमियम थीम, जो आपका थीम फॉरेस्ट के लिए होता है, जिसको आप सेल आउट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेज भी आती है, लेकिन उस स्टेज से पहले की कुछ स्टेजेस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। यानी आपने देखा होगा, जब अगर आप किसी दर्जी से इंटरव्यू करें जो टेलर मास्टर होता है, तो वो कभी एक शागिर्द की हैसियत से टेलर मास्टर के पास बैठा होगा और उसको सबसे पहले जो जॉब मिली होगी वो हो सकता है ये हो कि आप बटन लगाएं, और वो काफी तवील अरसा बटन ही लगाता रहा। इसी तरीके से यहाँ नीचे वर्कशॉप है, या अगर आप कंडक्टर किसी से पूछे कि गाड़ी आपने कैसे ड्राइव करना सीखी, तो वो कहेगा कि पहले मुझे इस तरीके से उस्ताद ने कहा था कि जनाब ये टायर साफ करो और ये बॉडी साफ करो, और मैं बड़ा तंग पड़ जाता था। तो मकसद यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाई स्टेप फिर ऊपर आते हैं, और तो एक वक्त आता है जब आप हैवी गाड़ियां जो है वो भी चलाने की पोजिशन में चले जाते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप, जैसे साइकिल को कैंची, मुझे याद है मैंने जब सीखा तो कैंची चलाने की कोशिश की, तो फिर इसी तरीके से वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप, बच्चा भी इसी तरीके से एक एक कदम उठाता है, फिर वो रेसलर बन जाता है और फिर वो बड़ा जबरदस्त एथलीट बन जाता है। तो थीम डेवलपमेंट के हवाले से भी आपके यही स्टेप्स हैं, जिंदगी के सारे स्टेप्स यहाँ पे होंगे। अब आपके तीन फेजेस में आपने इसको शामिल करना है। सबसे पहला फेज ये होता है कि आप किसी बने बनाए थीम को कस्टमाइज करने की पोजीशन में आ जाएं। जितना कुछ अब तक आपने लर्न किया, HTML, CSS, JavaScript, PHP की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और वर्डप्रेस के हवाले से मैंने आपको इससे पहले वाले फेज में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। इसका मतलब यह है कि अब आप कोड को रीड कर सकते हैं। जब आप रीड कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है आप किसी भी जगह पे किसी भी थीम के अंदर अपनी मर्जी से कोई डिव क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर कोई क्लास इंट्रोड्यूस करवा देंगे, उसमें आपने बूटस्ट्रैप ऐड करना है या कोई भी आप करना चाहते हैं इस हवाले से आप उसको कर सकेंगे। तो कस्टमाइजर आप ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच गए हैं। फिर छोटे मोटे PHP के फंक्शन मैंने आपको बताया था ओपन सोर्स मिलते हैं, आपको सिर्फ लगाने आने चाहिए। टेम्पलेट क्रिएट करना है, टेम्पलेट को आपने इंक्लूड करना है functions.php में, बूम आपका कस्टमाइजेशन जो है वो होगी। वर्डप्रेस थीम की कस्टमाइजेशन को, यानी अगर आप दूसरे फेज में दाखिल हो जाएं, कस्टमाइजेशन तो हो गई,
बना बनाया थीम है उसको आपने कस्टमाइज करना है। अब उसके लिए रिकमेंड ये किया जाता है कि जब आपने कस्टमाइजेशन करनी हो तो आप एक चाइल्ड थीम बनाते हैं। तो दूसरा फेज आपका आ जाएगा कि आप किसी पेरेंट थीम के ऊपर, पेरेंट यानी 2019 जैसे कोई थीम है, या कोई बंदा हवाला दे रहा था किसी थीम का, गालिबन ओशन है या इस तरीके से कोई थीम है बड़ा मशहूर, उसके ऊपर आप चाइल्ड थीम बना सकते हैं, डीवी के ऊपर आप चाइल्ड थीम बना सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ ऐसे मशहूर और मरूफ आपके थीम्स हैं रिपोजिटरी में पड़े हुए जिन पे आप चाइल्ड थीम बनाएंगे। अब चाइल्ड थीम क्या करता है कि आप उसमें कस्टमाइजेशन तो करेंगे लेकिन वो सेफ साइड हो जाती है, आपका पेरेंट थीम भी साथ मौजूद होना चाहिए उस फोल्डर के अंदर थीम्स वाले में, और चाइल्ड थीम भी आप उसके ऊपर बनाएंगे। इसी तरीके से तीसरा जो फेज होता है कि आप अपना एक थीम बनाना शुरू कर देते हैं। अब उस थीम बनाने के भी दो रूप हो सकते हैं, या तो आप कोई जीपीएल वर्जन जो आपका जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, जैसे वर्डप्रेस आपका जीपीएल है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो भी थीम आपका रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है, जीपीएल पड़ा हुआ है, आप उसको उठाएं, डाउनलोड करें, अपना नाम उसको दें, उसकी सारी डिवें आप चेंज कर दें, उसकी सारी चीजें जो है वो आप चेंज कर दें, अपना सीएसएस उसके ऊपर दें, वैल्यूज को चेंज कर दें, अपने कलर्स दें, अपने इमेजेस लगाएं, और बूम, ये आपका एक लीगल थीम बन गया। ये आपका तीसरा फेज आ जाएगा। जब आप ये सारे मराहल तय कर लेते हैं तो फिर आपके पास फाइनल स्टेज आती है कि अब आपको फर्ज कर ले क्लाइंट पीएसटी दे देता है, जिसका अभी इम्कान कम हो गया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल आपके थीम्स जैसे पेज बिल्डर आ गए हैं। तो पेज बिल्डर का क्या फायदा हुआ, हमें बस का चाइल्ड थीम की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पर पेज आपका टेम्पलेट क्रिएट होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, और पीछे आपका बेशक पेरेंट थीम अपडेट होता रहे, वो आपके टेम्पलेट्स पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये फायदा हुआ पेज बिल्डर्स का। इसी तरीके से चौथी स्टेज में फिर क्या होता है कि आप एक मुकम्मल थीम बनाते हैं। मुकम्मल थीम से मुराद ये है आप हर टेम्पलेट खुद क्रिएट करेंगे, HTML खुद लिखते हैं, CSS खुद लिखते हैं, फिर उसके अंदर आप PHP के मुख्तलिफ कोडिंग्स को ऐड करते हैं, कोई आइडिया होता है, तो वो आपकी स्टेज है, वो सारी जिंदगी उसके अंदर आपको डिफरेंट थीम्स नजर आएंगे। मेरा अब तक का जो मुशाहिदा है, जितने थीम्स को मैंने स्टडी किया थीम फॉरेस्ट पे या दीगर जो वेबसाइट्स हैं, इवन वर्डप्रेस के हवाले से, उनके अंदर 20% सिर्फ मुझे चेंज नजर आती है जो आपका एक आइडिया होता है। तो इसलिए आपने थीम डेवलपमेंट को मुश्किल नहीं समझना, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने लेके चलना है। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता दिया, ये आप लर्न कर लें, और फिर हम कस्टमाइजेशन से शुरू करते हैं थीम को स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम चाइल्ड थीम बनाएंगे, और ये चाइल्ड थीम हम रिपोजिटरी में ऐड करने की कोशिश करेंगे, हम इसको अपलोड करेंगे। वो इस टास्क के अंदर हो जाता है या इससे अगले टास्क में, अगर ये लंबा हो जाएगा तो फिर हम इससे अगले टास्क में इसको अपलोड कर देंगे। इसलिए आपने घबराना नहीं, दिन दो चार ऊपर नीचे हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जब तक मैं आपके साथ हूं, अल्लाह करीम आप सब लोगों को भी खुश रखे, सेहत दे, आप मेरे लिए दुआ किया करें। हम इसको जाने नहीं देंगे, कुछ इसके पीछे आप समझ लें बरकत ही होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर भी दे रहे थे, तो वो भी एक मॉरली मेरे जेहन में एक आता है कि वो कहीं बहुत ज्यादा पीछे ना रह जाए। तो एनीवेज हर चीज के पीछे कोई ना कोई बेहतरी होती है, तो इस डिले के पीछे भी एक बेहतरी आप समझ लें। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके सामने हूं। 9 MB को भी हमने दिसंबर तक का टाइम दे दिया हुआ, 9 months पूरा, और ये जो 10-15 दिन की आपकी डिले शुरू की आई है, इसको भी हम कवर कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था ये सारी किट मैंने आपको डिस्कस की, क्योंकि एक नौजवान है स्पार्टन, उसने मेरे ख्याल में कल परसों ही ज्वाइन किया, और कुछ शुरू के उसने टास्क देखे, पहले तो उसने बड़ी तारीफ की, शुक्रिया अदा किया सर आपका अंदाज बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, और उसके बाद एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को यह मशवरा दिया कि सर आप दाएं बाएं की बातें जो है ना वो कर जाते हैं, तो इससे मेरा वक्त जाया हो जाता है। नए बंदे हैं, उनको मिजाज का नहीं पता, तो मैंने उनको बड़े प्यार से लिख दिया उस नौजवान को, मैंने कहा मेरी जान आप इनको स्किप कर दिया करें, क्योंकि ये मेरी बातें मेरे स्पार्टन्स के लिए है, वो मेरी बातें सुनने के लिए आए हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको मैं बताऊं स्पार्टन्स बैठे हैं जिनको अच्छा खासा थीम बनाना आता है, बड़े मुअद्दब, बड़े ओबीडियंट, बड़े प्यार करने वाले वो स्पार्टन्स हैं, सीनियर प्रोग्रामर हैं, मुझसे ज्यादा आता है उनको। वो सिर्फ इस वजह से आते हैं, वो कहते हैं सर सारा कुछ आता है, सिर्फ ये जो बातें हैं ये कहीं से नहीं मिलती, ये हम आपसे लेने के लिए आए। तो इसलिए मेरी जान बातें तो मैं करूंगा, यही मेरा अंदाज है। इसी वजह से हम स्पार्टन है कि हम जिंदगी का जब हम बर्ताव खुद सह लेते हैं, सितम सहते हैं, तो हम दूसरों को देने की पोजीशन में चले जाते हैं। तो मैं अपने नेचुरल फ्लो के साथ जाता हूं, मैं चाहूं तो मैं नकली लहजा इख्तियार कर लूं, लेकिन उसमें फिर कनेक्शन खत्म हो जाएगा, ये बात समझे। तो बातें बड़ी मस्त है, इसलिए कि मेरे सारे के सारे स्पार्टन जो है वो मेरी आंखों को भी गौर से देख रहे होते हैं,
मेरे लफ्ज़ों को भी गौर से सुनते हैं, आंखें बंद करके भी सुनते हैं, मुझे ईमेल्स आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, मैं जवाब शायद उस तरीके से नहीं दे पाता, मसरूफ हो जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मोहब्बतें बढ़ रही हैं, फैल रहा है, और सिर्फ यहाँ पे नहीं फैल रहा, अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी इंडिया में, बांग्लादेश में, और जहां जहां उर्दू हिंदी ये समझने वाले लोग मौजूद हैं, वो इस चीज को इजीली देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसलिए जब मैं कैमरे में देख के बात करता हूँ, मुस्कुरा के बात करता हूँ, तो मैं कनेक्ट हो रहा होता हूँ अपने स्पार्टन्स के साथ। तो वो नौजवान भी जब आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, दो चार मजीद टास्क देखेगा तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से होता है, शुरू में तो मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, दोस्त भी आपस में तभी बनते हैं जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो स्पार्टन फैमिली भी आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रही है ना। मैं इसलिए आपको मना करता था, मेरी पर्सनल जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पे तकरीबन आप ये समझ लें, चूंकि मेरी वो एक अलग दुनिया है, लेकिन बहुत सारे स्पार्टन्स वहां पे आ गए हैं मुझे ढूंढते ढूंढते, और मुझे वो टैग कर देते हैं, मैं उनको ऐड करता हूँ। वो मेरी एक अलग दुनिया है, वो इस प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल हट के मेरा एक फैमिली का उसमें टच है, लर्निंग भी आ जाती है समटाइम्स, उसमें प्रोफेशनल भी डिस्कस मैं करता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली मकसद ये होता है कि आप बॉन्डिंग करें आपस में, आपका एक ट्रस्ट के साथ रिलेशनशिप हो, यानी आपको एक दूसरे से खतरा ना हो। जैसे यहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि दोस्त बाहर बनते हैं और एक दूसरे की प्रोफाइलों को हैक करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, एक दूसरे की वेबसाइट चूंकि क्लोज सर्किट में है, उसने ट्रस्ट किया, तो वो जो मैं अक्सर लफ्ज भी बोलता होता हूँ कि ये जो ट्रस्ट ब्रेकर होते हैं ना, एतमाद तोड़ने वाले, या जिसको हिंदी में वो मुझे बड़ा अच्छा लफ्ज लगता है, विश्वासघात, मैं जिंदगी में ऐसे लोगों से जो हरम का एहतराम नहीं करते वो गैर महरम होते हैं, और जो हरम का एहतराम करते हैं वो मोहतरम होते हैं। तो मैं सारी जिंदगी मोहतरम दायरों में सफर करता रहा हूं, एहतराम के दायरों में सफर किया है, उन्हीं एहतराम के दायरों के साथ मैं आप लोगों को देखता हूं, और उन्हीं एहतराम के दायरों के साथ मुझे पता है आप लोग मुझे उसका रिटर्न देते हैं। दरमियान में जिनकी मिजाज शनासाई नहीं होती, वो चूंकि गैर महरम ही रहना चाहते हैं, लिहाजा उन गैर महरमों के लिए फिर मेरे कलेजे में वो मोहब्बत उस तरीके से नहीं आती। मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक आम सतह से उठ के थोड़ा मजीद वसत कल्ब के साथ, लेकिन मैं आपको बताऊं इससे मेरा वक्त जाया होता है, इसलिए मैं उनको इग्नोर कर देता हूं। तो मोहब्बतें फैलाएं, इसमें बड़ी लज्जत है, इसमें बरकत है, इसमें कामयाबी है। जो कामयाब हुआ है उसे आप पूछेंगे वो एक ही बात करेगा, मोहब्बतें, मोहब्बत के साथ, इत्तफाक के साथ आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी में आपकी कामयाबी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये हमने डिस्कस किया था, आइडिया आपका एक डिस्कशन हो गई, आइडिया की ये सारी वो स्टेजेस थी जो आपका फाइनल थीम, जो बड़ी एक स्टेज होती है जिसको उम्र लगती है, उस तक पहुंचने पहुंचते आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। आज जो हमने करना है वो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ हमने कस्टमाइजेशन करनी है, फिर हम चाइल्ड थीम की तरफ आ जाएंगे, और फिर हम बनाएंगे थोड़ा सा एक अपना बना बनाया को थीम लेके उसको तोड़ेंगे जोड़ेंगे और अपना एक थीम चाहे उसको बना के कोशिश करेंगे उसको डिस्प्ले कर सके। अब दो तीन बातें आप इस मौके पे समझ लें, ये आपको हर प्रोजेक्ट में काम आएगी, फोटोशॉप में काम आएगी, इलस्ट्रेटर में काम आएगी, फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम आ जाएंगे। सबसे पहले आपको मैंने ये कुछ रिसोर्सेज दिए थे, यानी जिंदगी में जब भी आपने कोई ब्रांडिंग करनी है किसी भी हवाले से क्लाइंट के साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो एक लर्नर्ड फ्रीलांसर को, मुझे इसका फायदा हुआ, आपको कलर्स का पता होना चाहिए, फॉन्ट्स का पता होना चाहिए, ग्रिड का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या क्या चलते हैं, यूआई यूएक्स क्या है, ये बेसिक चीजें हैं अब आपकी 2019 में, यानी अगर आपको ये पता नहीं तो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो नाकाम होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मैंने आपको जो लिंक्स दिए थे इसी के ऊपर, ये चूंकि मैंने वही वेबसाइट खोली हुई है फ्रीलांस पाकिस्तान, और अपलोड की हुई थी यहाँ पे मैंने पीडीएफ वर्डप्रेस थीम डेव स्पार्टन किट जो आपके पास मौजूद है। सिंपल आपने यहाँ पे उसी को पीडीएफ को राइट क्लिक करना है और आप इसको एक नए लिंक में आप ओपन कर सकते हैं। देव शर्मा का क्वेश्चन था कि सर प्रोटोटाइप क्या होता है, मैंने फेसबुक फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में भी इसके ऊपर एक अच्छा खासा सेशन किया था। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि आप, एक होता है पीएसडी जब आप फोटोशॉप में डिजाइन करते हैं, प्रोटोटाइप के लिए आपकी ऑनलाइन यूटिलिटीज मौजूद हैं, जैसे स्केच होता है, जैसे आप पेपर के ऊपर स्केच बनाते हैं, तो प्रोटोटाइप का मतलब कि वो इनिशियल आपका ब्लूप्रिंट, वो नक्शा जिसके अंदर रंग नहीं होते, अब तो खैर बड़े इंटरेक्टिव हो गए हैं, जैसे ये मॉकअप्स ने भी इंटरेक्टिव कर दिया, बाल्समिक हो गया, तो आप डब्बे उठा के रखते हैं, यहाँ पे मेन्यू होगा, यहाँ पे लोगो होगा, उसको टेक्निकल जुबान में प्रोटोटाइप कहा जाता है, यानी आप सिर्फ नक्शा बनाते हैं, क्लाइंट आपको कहता है मैं ये चाहता हूं कि बटन यहाँ यहाँ पे हों, यहाँ पे तीन आपके डब्बे नजर आने चाहिए, यहाँ पे आपकी रीसेंट ब्लॉग पोस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे साइड बार होनी चाहिए, ये फुटर के अंदर मुझे इतनी विजेट्स चाहिए, तो वो होता है जिसको प्रोटोटाइप कहते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, इससे भी जमाना अब आगे बढ़ गया हुआ है,
यानी इतना आसान हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप का कि आप विजुलाइज करें, आपके जेहन में ख्याल हो, आप उसको अपनी मर्जी से कर लें। जो दो मेन चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने डिजाइन की स्टेज पे भी की थी लेकिन आज हम डिफरेंट अंदाज में करते हैं। सबसे पहले एक अपना फोल्डर आप क्रिएट कर लें, चूंकि इसी के अंदर हमने काम करना है। ये हमारे पास जैम्प का एचटी डॉक्स है जो मैंने ओपन किया हुआ है। यहां पे आप जो साइट है उसका एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लें, या अगर आप अपने ड्राइव में किसी जगह पे करना चाहते हैं आप वहां पे भी कर सकते हैं। यहां पे हम एक फोल्डर बनाते हैं और आपने पहला आइडिया क्या होता है कि आप बच्चे के पैदा होने के बाद नाम रखते हैं, तो नाम आपका सबका यूनिक होना चाहिए। यानी जब आपने वर्डप्रेस रिपोजिटरी में थीम अपलोड करना है या थीम फॉरेस्ट पे, तो एक यूनिक नाम होना चाहिए। जैसे अब मैं शुरू से ये ट्रेनिंग स्पार्टन्स की है, इसमें मैं स्पार्टन्स का लफ्ज यूज करता हूँ, लेकिन स्पार्टन्स का लफ्ज सारे अगर यूज करेंगे तो ये तो क्लैश आ जाएगा। तो इसलिए स्पार्टन से पहले अगर आप कुछ लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। जैसे आपने नाम का कोई आप एब्रीवेशन देना चाहते हैं, जैसे मेरा नाम है फारूक, तो मैंने शुरू में फर्ज कर लें एफ लगा देता हूँ, एफ स्पार्टन्स, या एफ की जगह पे फर्ज कर लें मैं कोई एफ ए क्यू कर देता हूँ, एफ ए क्यू स्पार्टन्स, तो ये आपके थीम का नाम हो जाएगा। कोशिश करें छोटा नाम हो, बिल्कुल सिंगुलर और उसको आप समझ भी सकें। या फर्ज कर लें स्पार्टन में से हम एस पी ए आर ले लेते हैं और उसके बाद एफ ए आर मैं ले लेता हूँ स्पार्फर, ये एक मैंने नया नाम बना दिया। तो स्पार्फर के साथ जो है मेरा एक नया थीम बनेगा, एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी सारी चीजें रखूंगा, यानी थीम बनाते हुए तो सारा कुछ इसके अंदर रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए यहां पे वापस आता हूं मैं। और आपको चाहिए सबसे पहले फॉन्ट्स। आप जिंदगी में याद रखें, चाहे आपका म्यूजिक है, चाहे आपके कलर्स हैं, चाहे आपके फॉन्ट्स हैं, या ये जो आप लिबास पहनते हैं, या आप पर्दे लगाते हैं घर में सोफा सेट के साथ मैच करके, जिंदगी में दो तीन चीजों को समझना आपका बड़ा जरूरी है। कोई चीज होती है जो किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करती है, कोई चीज किसी चीज के कॉन्ट्रास्ट में होती है। मैंने कलर्स के ऊपर एक अच्छा खासा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट में जाके देखा करें। तो आपका हर चीज दूसरी चीज के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है, सेम यही फिनोमिनन आपका फॉन्ट्स के अंदर रहेगा। जैसे ये आप लिंक खोल लें fonts.google.com, जो आपका इस किट के अंदर भी मौजूद है जहां पे मैंने आपको टाइपोग्राफी का दिया है। आप राइट क्लिक करेंगे fonts.google.com, ये आपका लिंक ओपन हो जाएगा। अब इसमें से आपने सोचना ये है, क्योंकि ये सारे आपके GPL फॉन्ट्स हैं, यानी आप जनरल पब्लिक लाइसेंस है, आप इनको ओपन सोर्स है यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करें या तो आपका एक ही थीम हो, एक ही उसके अंदर फॉन्ट आपने यूज करना, और उसकी वैरायटियां वेरिएशंस, यानी कहीं पे रेगुलर यूज कर लिया, कहीं पे उसी फॉन्ट का इटैलिक्स यूज कर लिया, कहीं पे उसी को बोल्ड यूज कर लिया, या आप कंपेयर करेंगे दो मिलते जुलते जो एक दूसरे के कंट्रास्ट में हो या एक दूसरे की मैचिंग में हो, सपोर्ट करते हो। कंट्रास्ट का मतलब तो होगा ना कि डिफरेंट नजर आए। मसलन कंट्रास्ट क्या हो सकता है, एक लंबे कद का बंदा खड़ा है, एक उसके साथ छोटे कद का, वो कंट्रास्ट आ जाएगा, दूर से नजर आ जाएगा लंबा कौन सा है, उस लंबे से एक और लंबा आ जाएगा तो मजीद कंट्रास्ट। इसी तरीके से पतला और मोटे का कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट दो थोड़ी सी मुख्तलिफ चीजें होती हैं, वो कलर के हिसाब से हो सकती हैं, वो विड्थ के हिसाब से हो सकती हैं, लेंथ के हिसाब से, वगैरह वगैरह। तो अब यहां पे ये सबसे टॉप पे जब हम खोलते हैं तो रोबोटो एक नजर आता है। फर्ज कर लें हमने रोबोटो ही यूज करना है। अब जैसे ये डॉक डू एक बड़ा अच्छा यानी थोड़ा सा यूनिक ये फॉन्ट है, अगर आप फर्ज कर लें डॉक टू को यूज करना चाहते हैं अपनी किसी थीम के अंदर, चाहे वो आपका चाइल्ड थीम है या आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, हो सकता है किसी बंदे ने कोई अलग फॉन्ट फैमिली यूज की हो, आप डिफरेंट करना चाहते हैं, तो यहां पे आके आप इसको देख सकते हैं। अब इसका फायदा यह है कि आप यहां पे ये लफ्ज भी लिखेंगे तो ये इसी तरीके से टाइप होगा। जैसे हम कहते हैं कि माय स्पार्टन्स आर माय फैमिली मेंबर्स, अब फर्ज कर ले मैंने ये एक सेंटेंस लिखा तो ये यहीं पर टाइप हो रहा है। अब इसी तरीके से इसको आप छोटा बड़ा साइज इसका करना चाहते हैं, सेंटेंस लिखना चाहते हैं, इसका फॉन्ट कितना रखना चाहते हैं, यहां पे रहते हुए आप इसको छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये इसके बारे में भी एक अच्छा ट्यूटोरियल मैंने किया था किसी बिजनेस कार्ड के हवाले से, लेकिन यही चीजें हैं। आज आप दोबारा से इसको देख लें। फर्ज कर लें हमने रोबोटो को ले लिया, या अगर डॉक डू को ही हम ले लेते हैं, चले यूनिक काम करते हैं। इस प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया, जब ये प्लस के ऊपर क्लिक किया तो ये आपको माइनस नजर आ रहा है, माइनस का मतलब आपने इसको सिलेक्ट कर दिया है, और यहां पर नीचे आप देखेंगे तो ये फैमिली सिलेक्टेड आपको नजर आ जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि आप इसको डाउनलोड करें, इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त खूबी है, जबरदस्त चीज है। यहां पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डॉक डू के ऊपर, ये लफ्ज के ऊपर मैंने क्लिक किया है,
यानी सिलेक्ट आपकी हुई पड़ी है, उसको आप नहीं छेड़ रहे। आपने जब उसके लफ्ज के ऊपर क्लिक किया डॉक डू, ये आपको सारे लेटर्स आपकी अल्फाबेट जो कोई करेक्टर्स हैं इसके अंदर ये नजर आना शुरू हो गए। इसके राइट साइड पे डिजाइनर का नाम है, इसकी थोड़ी सी डिटेल है, इसका यूसेज जो है वो चूंकि बिल्कुल नया फॉन्ट है जारी बात है कम यूसेज होगी। फिर नीचे आके देखें तो मजीद इसकी स्पीड वगैरह और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए भी मिलती है, और ओपन फॉन्ट लाइसेंस है। यहां पे जो असल चीज है आपको समझना इस स्टेज पे, जो क्लाइंट के साथ आपको जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो रोबोटो, डॉकडो और रोबोटो, यानी रोबोटो और डॉकडो का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो फेवरेट फॉन्ट है ओपन सोर्स है रोबोटो, उसके साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे हेडिंग्स उन्होंने यूज की डॉकडो के साथ, और पैराग्राफ बॉडी टेक्स्ट आ रहा है आपका यहां पे, यानी फॉन्ट फैमिली आप दो यूज करेंगे। यानी अगर आपका ये H1, H2, H3, H4 से लेके H6 तक हेडिंग इस फॉन्ट में होगी तो बॉडी आपकी होगी ओपन सोर्स जो रोबोटो में होगी। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें, आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरी जो हेडिंग है वो रोबोटो में हो और बॉडी जो है वो मुझे इस तरीके से मिले, तो ये आपको डबल एरोस नजर आ रहे हैं। यहां पे आप क्लिक करेंगे बूम, अब आपका जो बॉडी का टेक्स्ट है वो हो जाएगा डॉक डू में और आपकी हेडिंग जो है वो इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये डिफिकल्ट हो रहा है, अब यहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट पे गौर करना है, चूंकि रोबोटो एक ऐसा फॉन्ट है जो आपका बॉडी टेक्स्ट में ज्यादा उठता है, यहां पे आप देखें तो ये अजीब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आप शशका देना चाहें यू कैन डू दिस, तो यहां से हम दोबारा एरोज पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये अच्छा लगता है यार इस तरीके से मुझे चाहिए, तो गोया अब आपको रोबोटो भी चाहिए, तो ये प्लस का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे बूम, अब आपके पास कितनी सिलेक्ट होगी फैमिलीज, टू फैमिली सिलेक्टेड। यहां से आप इसको देख सकते हैं मजीद फॉन्ट्स हैं जो इसके साथ चल सकते हैं, जो इसके कंट्रास्ट में या इसको मैच कर सकते हैं। मसलन ये डू हायोन है, रोबोटो स्लैब है, और ये डोमाइन है शायद, और ओपन सेंस। ओपन सेंस और रोबोटो तो तकरीबन हर जगह पे ही फिट हो जाते हैं, मैं इसलिए मोस्टली यूज करता हूं ओपन सेंस या रोबोटो को। अब आपने ज़हन बना लिया कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हैं वो है आपका दो फॉन्ट्स का, डॉक टू और रोबोटो, दोनों आपने सेलेक्ट कर लिए, चेक भी कर लिया कि यस इसका एक लॉजिकल कनेक्शन है, ये दोनों आपस में उठेंगे और इस तरह नजर आएगा। ओके, यहां पे आप क्लिक करेंगे इस माइनस के ऊपर, अब आप इसको फर्दर कस्टमाइज करना चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहें स्टाइल शीट में तो ये तरीकाकार उन्होंने दिया हुआ है, सिंपल ये लिंक देना है। लेकिन वर्डप्रेस में हमें एनक्यू करना पड़ता है, वो तरीका हमने सीखा हुआ है, दोबारा से हम इसको करेंगे। अगर आप इंपोर्ट के साथ करना चाहते हैं तो ये तरीकाकार होगा कि आप इसको इंपोर्ट करेंगे स्टाइल हेड के अंदर या जहां भी आप यूज करना चाहते हैं वेब प्रोजेक्ट में। कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ये अभी उन्होंने रेगुलर सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप इसको रेगुलर इटैलिक भी करना चाहते हैं आप इसको सिलेक्ट कर दें, अगर आप मीडियम करना चाहते हैं मीडियम कर दें। लेकिन यहां पे कॉशियस मैं आपको करना चाहता हूं, कॉशन ये है जितने ज्यादा आपकी ये वेटेज होगी उतना ज्यादा फॉन्ट आपका हैवी होगा, उतने ज्यादा उसको आपकी जो वेब पेज की स्पीड है लोड होने की वो मसला करेगी, तो इसलिए कोशिश करें ज्यादा वैरायटी। आपने देखा ये ग्रीन हो गया, जो ही मैंने इसको क्लिक किया ये ऑरेंजिश हो गया, और इसको मैं क्लिक करूंगा अभी तक ऑरेंज है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये आपका रेड हो जाएगा। रेड का मतलब ये है कि आपने रेड पे नहीं जाना, ऑरेंज तक चले काम चल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आप कम से कम इसको रखें। जैसे इटैलिक की मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं यहां से अनचेक कर देता हूं, और मीडियम 500 इटैलिक जो है वो मुझे नहीं चाहिए, इवन देन ये आपका ऑरेंज नजर आ रहा है। ये आपने अक्सर देखा जो आखिर में लिखा होता है 400, 500, 600 वगैरह। तो जब आपका ये सारा सिलेक्शन हो जाए, नीचे आप देखें इसके अंदर फॉन्ट के हवाले से लैंग्वेजेस है कौन सा देना चाहते हैं, हम इसको डिफॉल्ट ही रखते हैं। जब ये सारा कुछ हो जाए, ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है, अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इस एरो के ऊपर, और ये आपसे पाथ मांगेगा कि आप इसको कहां पे सेव करना चाहते हैं। अब जैसे ये मेरे पास एक ऑलरेडी फोल्ड बना हुआ था, फोल्डर वर्डप्रेस स्पार्टन 300 2019 जो डी ड्राइव में है, तो मैं इसको उसी ड्राइव के अंदर सेव कर लेता हूं fonts.zip। अगर एक फॉन्ट होगा तो अपने नाम से वो सेव होगा, क्योंकि दो फॉन्ट है लिहाजा fonts.zip, यानी आप एक वक्त में 10-15 भी कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। कोशिश करें दो या दो से ज्यादा अगर करने हैं तो तीन फॉन्ट आप ज्यादा से ज्यादा। सबसे अच्छी आइडियल सिचुएशन है एक फॉन्ट और उसकी वेरिएशन, फिर आप दो कर लें, क्योंकि जोड़ा तो बड़ा जरूरी होता है ना, जोड़े के साथ ही कायनात में रंग है, तो फॉन्ट्स का भी जोड़ा हो जाए, कलर्स भी दो आप यूज कर लें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में। जैसे अगर आपने पर्पलिश या पिंकिश पे काम कर रहे हैं तो कहीं कहीं पे ग्रीन का टच मजा करेगा, इसी तरीके से अगर आप ब्लूइश पे काम कर रहे हैं जैसे ये आपको नजर आ रहा है मेरा सूट, तो उसके साथ आपका जो उसी टिंट के साथ ये शेड में आपका जो ब्लू होगा वो डार्क हो या लाइट हो वो आप यूज करेंगे।
तो ये आपके यानी थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कलर स्कीम है, या आप इसको टेट्राड पे लेके जाना चाहते हैं, तीन लेके जाना चाहते हैं, ट्रायड पे लेके जाना चाहते हैं, तो कलर्स के ऊपर अच्छा खासा ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, वो आप बहुत सारे स्पार्टन्स को मिल गए हुए हैं, वो देख रहे हैं इस चीज को। तो सेव कर लिया हमने, ये हमारा पहला फेज हो गया कि फॉन्ट्स हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो गए। दूसरे में हम आ जाते हैं कलर्स के अंदर। अब इसको आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ये मेरे पास डाउनलोड हुआ है, शो इन फोल्डर। सिंपल क्या करना होता है, चूंकि अगर आपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है तो उसका तरीका करके राइट क्लिक, आप अपना इसको अनजिप करेंगे, 7-zip ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लें, 32 या 64 बिट, मेरे पास 7-zip है, मैं उसको यूज करता हूं। जब आपके फॉन्ट्स मौजूद हो जाएं, ये दोनों हैं, डॉकडू और रोबोटो। अब आपने जब प्रोजेक्ट पे काम करना है तो ये आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा, चूंकि अभी आपने सिस्टम में किया है। अगर आप इसको सिस्टम में भी इंस्टॉल करना चाहें, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, बूम, आपका ये जो फॉन्ट है ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। या आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, लेट से रोबोटो जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, सबको आपने एक दफा सिलेक्ट किया, या आप किसी को अगर डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से, ये एक विंडो ओपन होगी, यहां से आप इसको इंस्टॉल करेंगे और ये आपको मैसेज मिलेगा कि आपके पास रोबोटो ब्लैक पहले से मौजूद है, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट। मेरे पास चूंकि मौजूद है, आपको ये मैसेज नहीं आएगा, तो आप यहां से यस कर देंगे अगर आपके पास मौजूद है, या आप नो कर देंगे अगर आपके पास नहीं, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। या एक ही दफा इसका तरीका करके है, सिंपल आप सबको सिलेक्ट करें, मैं इसी तरीके से करता हूं, ये मैंने ओवर द इयर्स लर्न किया, वरना मैं एक एक को करके उसको इंस्टॉल करता था। राइट क्लिक करें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, ये वन बाई वन सारे फॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो चूंकि मेरे पास पहले से ये मौजूद है, वो मुझे मैसेज देगा कि आपके पास पहले से ये मौजूद है, मैं इसको कहता हूं कि नो, फिर अगले का मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पे पहले से ये मौजूद है, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, चूंकि मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो जो ही आपने क्रॉस किया तो ये आपका मैसेज है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह कि फॉन्ट्स अब आपके पास मौजूद है, ये पहला आपने फेस तय कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है आपके पास कलर्स की। कलर्स के हवाले से मैंने आपको यहाँ पे मैंशन किया हुआ है बहुत सारे, color.adobe.com, राइट क्लिक किया, ये ओपन हो गया। और जो ही मैंने इसको आज ओपन किया है तो मैं बड़ा सरप्राइजिंग इसको देख रहा हूँ, इन्होंने लुक एंड फील ही चेंज कर दी। पहले डिफरेंट था, और उससे पहले आपका ये कूलर के नाम के साथ था, या क्यूलर था, KULER। अब आज बड़ा जबरदस्त लग रहा है, जैसे इलस्ट्रेटर में होता है। सिंपल आपने यहां से देखें, जबरदस्त कलर स्कीम आपको नजर आ रही है। आप इंडिविजुअली भी उनको इस तरीके से खोल सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा कलर किस कलर के साथ जाता है। तो जितनी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, यहां पर सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चीज मुझे लगती है वो होता है एक्सप्लोर। ये है क्रिएट वाला टैब, आप एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो बने बनाए हैं या मैसेज आ रहे हैं, चूंकि ये पहली दफा मैंने ओपन किया है चेंज आने के बाद, ये इन्होंने अपडेट कर दिया है, थैंक यू एडोबी। तो यहां से आप इसको, आप मैसेज को कैंसिल करते हैं, यानी आपके बने बनाए ये पहले से मौजूद है। आप इसको आप क्लिक करें किसी एक के ऊपर, ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है। फर्ज कर लें आप चाहते हैं कि आपका थीम इस तरीके से बने, या अगर आप इस तरह का करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और इसको आप देखें, डाउनलोड कॉपी एस लेस, लेस का बड़ा जबरदस्त शोशा उठ रहा है, CSS और SAS, यानी आप अगर इनको वेरिएबल्स के साथ, मिक्सन्स के साथ करना चाहते हैं, या आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको फोटोशॉप में ले जाएं, आप इसकी कलर वैल्यूज ले सकते हैं, या आप नीचे आके देखें, ये उन्होंने RGB दिया हुआ है, मुख्तलिफ वैल्यूज हैं किस कलर की क्या क्या है, HSV उसका क्या है, ह्यू सैचुरेशन वगैरह क्या है, CMYK उसका अल्टरनेटिव क्या बनता है। अब यहां पर अगर फर्ज कर लें आपका अकाउंट बना हुआ है, मैं चूंकि इस वक्त लॉग इन नहीं हूं, आप यहां से इसको लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको इलस्ट्रेटर में अपनी उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट बना हुआ है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और या आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका कर क्या होता है कि आपको वैल्यूज चाहिए तो आप ये ले लें, या आपके पास विंडोज 10 है तो आपके पास एक टूल मौजूद होता है, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल को आप क्लिक करेंगे, मैंने चूंकि इसको बिल्कुल ये टास्क बार के ऊपर रखा होता है, इस तरीके से ये आपका स्निपिंग टूल है, या आप कंट्रोल पैनल पर लिखेंगे स्निपिंग टूल, यहां से आप क्लिक करेंगे न्यू के ऊपर, और न्यू पे क्लिक करके इतना हिस्सा जो है वो इस तरीके से आप उसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस क्लिक के साथ। जब आपने न्यू पे क्लिक किया, अब ये आपको मिल गया। अब यहां पे हम इसको करेंगे सेव। अब सेव करने के बाद आप उस फोल्डर में आएंगे जहां पे ये पहले से मौजूद है। यहां पे आप इसका कोई नाम रखना चाहते हैं, लेट्स से कि हम यहां पर रखते हैं, चूंकि हमने थीम का नाम रखा था स्पार्फर, तो स्पार्फर कलर पैलेट हम कर लेते हैं जनाब, इसको ये हमने लिख लिया स्पार्फर कलर पैलेट, और यहां से हम इसको कर लेते हैं सेव। ये मैनुअल तरीकाकार है, मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन अगर आप इसका कलर्स वगैरह नोट करना चाहें आप अपने पास ये भी करके रख सकते हैं। अब उस फोल्डर में क्या है, अगर हम उस फोल्डर में जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं
कि अब इसका एक इमेज भी हमारे सामने मौजूद है, यहां से हम इसको व्यू करेंगे तो ये इमेज की जो फाइल है, इमेज फाइल, वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। अब हमें जो वेब के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमें ये वाला कोड चाहिए होता है, लेकिन अगर आप उसको इमेज को ओपन कर लेंगे इस तरीके से तो ये इमेज है वो आपको इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा और ये आपके फोल्डर में ये चीजें जो है वो पड़ी हुई हैं, यानी यहां से आपको वैल्यूज जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है आप यहां पर रह के आपने डिसाइड करना है। डिसाइड क्या करना है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो हर एक में आ गया, दरअसल आपका असल कलर जो है वो ये आ रहा है। अब आपने डिसाइड ये करना है कि इसमें से आपने कंट्रास्ट कौन सा रखना है। अब बजाहिर इसके अंदर कंट्रास्ट नहीं है, मैं इसमें क्या करता हूं, ये सारे कलर्स मेरे मौजूद हैं, मैंने थीम बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे पता है ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप है, तो इसके साथ मुकाबले पे ग्रीन बड़ा जबरदस्त उठेगा, ब्राइट ग्रीन, तो मैं उसको एक्सेंट बना लेता हूं, यानी मेरे बटन जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे, या इसी का जो ब्राइट वर्जन है ब्राइट पिंक वो मैं यूज कर लूंगा। तो चूंकि ग्रीन इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप में कोई भी कलर आप फिल करें और उसको आप कंट्रोल आई कर देंगे तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट कलर होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा, बड़ा सिंपल सा है। या आप सिंपल यहां पे लिखें कोई भी कलर, फर्ज कर लें यहां पे आप इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहां पे आप लिखते हैं आके RGB और कंट्रोल वी किया और उसमें आप करेंगे कॉम्प्लीमेंट कलर, तो ये आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाएगी, उस कलर का जो कॉम्प्लीमेंट कलर होगा वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। अब जो भी आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये देखें आपने साथ ही इमेजेस में नजर आना शुरू हो गया आपको ग्रीन, यानी इस तरह कलर को आप क्लिक करेंगे, इस तरह का कलर जो है वो आप यूज करके बटन्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये आपको आइडिया जो है वो काफी ज्यादा पहले भी होगा, नए बंदों के लिए ये नई चीज होगी, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाए। आपके पास फॉन्ट्स आ गए, कलर्स आ गए, तीसरा फेज क्या होता है कि अब आपने अपने जेन में एक आइडिया लगाना है कि मैं चीजों को कस्टमाइज कैसे करना चाहता हूं। कस्टमाइजेशन में आप फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे, वर्डप्रेस कहता है कि सिर्फ फॉन्ट का साइज बढ़ाने से या कलर चेंज करने से आप एक थीम नया अपलोड नहीं कर सकते, यानी अगर पहले से कोई GPL वर्जन पड़ा हुआ है, जनरल पब्लिक लाइसेंस का थीम है, आप उसको डाउनलोड करते हैं, आप उसको मॉडिफाई करते हैं, तो एटलीस्ट उसके अंदर कुछ नए फंक्शंस आपको ऐड करने पड़ेंगे, कस्टमाइजर के अंदर कोई नई सेटिंग्स, पैनल्स और सेक्शंस वगैरह वो करनी पड़ेंगी, इसके बगैर आप अपलोड नहीं कर सकते। यानी आपने 2019 को डाउनलोड किया, इजाजत है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये नहीं कि उन्होंने ब्लू किया हुआ है तो आप उसकी जगह पे पर्पल कर दें और आप कहें ये मेरा थीम हो गया, तो इसको वो कंसिडर नहीं करते। यानी माइनर चेंजेस जो होती हैं, कलर की, फॉन्ट साइज ऊपर नीचे कर दिया, वो आपकी एलिजिबल नहीं है, वो रिकमेंड नहीं करते। तो फिर आपको कहीं कहीं पे क्या करना पड़ेगा, कस्टम लोगो, कस्टम हेडर, कहीं पे आप विजेट्स दे देते हैं फुटर में या हेडर में, जो तरीका आप सारा सीख चुके हैं, कोई कस्टम पोस्ट टाइप बना देते हैं, कस्टमाइजर के अंदर कोई फंक्शन दे देते हैं, दो चार नए, कोई नए टेम्पलेट बना देते हैं, WooCommerce की सपोर्ट उसमें डाल देते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पेज बिल्डर एलिमेंटर के साथ, दिस इज योर थीम, और इतना आसान होता है। बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे थे वो अब हंसेंगे जब हमने ये शुरू करना, और मैंने आपको बड़ा जबरदस्त एक सीक्रेट तरीकाकार बताना है किसी भी थीम को, जो GPL होता है उसको किस तरीके से अपना बनाया जाता है, जायज तरीके से, लीगल तरीके से, बजाय इसके कि आप आगे पीछे से कोई थीम जो है वो इस तरीके से उठाएं और उसके अंदर कोई वायरस भी हो। आप अपना थीम जब लीगल तरीके से बना सकते हैं GPL अंदाज में, और ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, अपना थीम जारी बात है वही होगा जो आपका अपना ही होगा, लेकिन सारे अगर आप किसी भी थीम को स्टडी करें ना, रेयर केस कोई होगा, शायद हजारों के पीछे एक, जो बिल्कुल स्क्रैच से उस बंदे का अपना होगा। अदरवाइज ओपन सोर्स लाइब्रेरियां इस्तेमाल होती हैं JavaScript की, ओपन सोर्स फॉन्ट होते हैं, इसी तरीके से कलर्स के लिए बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, मुख्तलिफ स्निपट्स होते हैं फोरम्स और ब्लॉग्स में, लोग जाते हैं थीम डेवलपर वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसको अपग्रेड कर लेते हैं, उसको एडवांस कर लेते हैं, बूम वो आपका थीम हो जाता है। तो ये प्रीलिमिनरी स्टेप्स थे, आज मैंने कहा कि आपने काफी इंतजार कर लिया और थोड़ा घबरा भी गए हैं, तो मैं आपको सामने आके मैसेज भी दे दूं और आपको थोड़ा सा आज एक नई चीज जो है वो मिल जाएगी। अब आपने करना क्या है कि 75 के लिए आपने अपने पास एक नया थीम इंस्टॉल कर लेना, यानी आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया स्पार्फर या जो भी आप अपना बनाना चाहते हैं, अब आप अपने अपने फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब मैं वो शुरू करूंगा टास्क तो मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, डेटाबेस होगा, और उसके अंदर डिफॉल्ट 2019 थीम आपका इंस्टॉल होना चाहिए, प्लस उसमें जो थीम यूनिट टेस्ट डाटा है, आपको याद है इससे पहले वाले टास्क में हमने किया था, ये आपकी असाइनमेंट भी है, वो आपने इंस्टॉल करना है, उसको इंपोर्ट करना है, वो आपको तरीकाकार आता है नहीं आता तो इससे पहले वाले टास्क में हम वो बात कर चुके हैं।
वो सारा काम आपने रेडी रखना है 75 टास्क के अंदर, ताकि हमारा वक्त बच जाए और फिर हम ये जो फॉन्ट्स हमने यूज किए और जो कलर हैं हम 2019 को सबसे पहले कस्टमाइज करेंगे और ये सारी चीजें अपनी देंगे, फिर उसी का हम चाइल्ड थीम बनाएंगे, फिर वो चाइल्ड थीम हम इंशाल्लाह ताला वर्डप्रेस रिपोजिटरी के अंदर अपलोड कर देंगे, ताकि आपको पहले थोड़ा सा छोटे छोटे काम करने आ जाए। और चाइल्ड थीम आपका अगर अप्रूव हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आपका फुल फ्लैश थीम भी कल को अप्रूव हो जाएगा। तो एक वक्त में चूंकि आप एक अपलोड कर सकते हैं, तो इसलिए हम जल्दी से पहले एक चाइल्ड थीम अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा थीम जो बनाएंगे, जारी बात है उसको टाइम चाहिए होता है, पहला अप्रूव होगा, हो सकता है हमने उसमें गलती की हो, वर्डप्रेस की जो रिव्यू टीम है वो हमें बताएगी, तो उसको हम सेट करेंगे और फिर दोबारा से हम उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।